उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को अब जल्द ही स्नो लेपर्ड के दीदार हो सकेंगे। दरअसल लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी स्नो लेपर्ड टूर आयोजित किए जाएंगे। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि यूएनडीपी के सहयोग से सुरक्षित हिमालय परियोजना के तहत गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि परियोजना के तहत 30 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हिम तेंदुओं के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाएगा। शुरुआती चरण में उत्तरकाशी जिले में स्नो लेपर्ड टूर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। वन विभाग ने जो फरवरी माह में 4 प्रायोगिक टूर आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें से पहला हमारा रेकी टूर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि सब चाक चौबंद करें पर्यटकों के लिए, जो भी सुरक्षा सुविधा के लिए होगा, और उसके बाद जो है ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जाएगा उन टूर को नियमित रूप से करने के लिए। सबसे बड़ा फायदा इस का ये होगा विंटर टूरिज्म का प्रमोशन। वहीं इस परियोजना के तहत राज्य में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की भी शुरुआत हो चुकी है। अपर मुख्य वन संरक्षक आर के मिश्रा ने बताया कि अब दूसरे चरण के तहत स्थानीय चरवाहों की मदद ली जाएगी। वन विभाग की लगातार मॉनिटरिंग के साथ एसएसपी और सीआरपीएफ की मदद से भी हिम तेंदुओं का पता लगाया जाएगा। इसमें हमारा गांववासियों के साथ भी हमारा बातचीत हुआ और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जैसे एसएसबी है, सीआरपीएफ है, उनके क्योंकि उनका बहुत लंबी दूरी गश्त भी होता है, उनसे भी काफ़ी हमको फीडबैक मिला है। एंड इसके साथ साथ हमारा वन विभाग खुद उस एरिया में सतत उन्होंने गश्त करते हैं, तो उनके पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन था। जो हमारे चरवाहा होते हैं, दैट मीन्स जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके पास भी काफ़ी सूचनाएँ भी होते हैं कि किस एरिया में लेपर्ड ज़्यादा दिखाई देते हैं, और इस प्रकार का करके हमने एक होलिस्टिक सिनेरियो बनाना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए।